जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी, बच्चों आज हम करने वाले क्लास 10th की मैथ चैप्टर बच्चों आपका 3 एक्सरसाइज है आपके 3.3 है, क्वेश्चन में बच्चों आपका 2 है, चौथा तरह से बच्चों आपने मालूम करना है, 3 रकमें बच्चे आपके दी गई है, तो जो चीज मालूम करनी है वो तीसरा तरह से हमें इसको बच्चों फर्ज कर लेंगे और लिखना भी बच्चों आपने है फर्ज किया कि चौथा मतनासब उसको बच्चों हम एक्स फर्ज नहीं करेंगे, इसको हम ए फर्ज कर लेते हैं क्योंकि बच्चों एक्स इसलिए फर्ज नहीं करेंगे जिस रकम के अंदर पहले एक्स मौजूद है इसलिए बच्चों फर्ज नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई वजह नहीं, आप चाहे वाई फर्ज कर लें चाहे बी फर्ज कर लें चाहे सी फर्ज कर लें जी, बच्चे 3 रकमें आपके सामने दी गई है, एक्स का स्क्वायर है माइनस की 11x और जमा के बच्चों आपके पास है 24, हमने जो निस्बत रासब की शक्ल में इसको लिखना है तो निस्बत लिखेंगे, निस्बत बच्चे आपके दिए गए एक्स माइनस 3, इसके बाद आपने लगा दी रासब की अलामत 5x की पावर 4 माइनस बच्चों आपके पास है 40x की पावर 3 और यह हमें फिर हम निस्बत की अलामत लिखेंगे और इसके बाद हम लिख देते हैं ए, इस तरह बच्चे आपके पास हो गई थी 4 रकमें, ये वाली दोनों रकमें आपके बस्तैन है जबकि बाहर वाली दोनों रकमें ए और ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड के इंतहाई की बच्चे रकमें हैं वो आपकी जो कि वो आपकी तरफैन है, तो ये हमें बच्चों फार्मूला लिख लेंगे, तरफैन का हासिल है जरा ये बच्चों बराबर होता है वस्तैन के हासिल है जरब के, ये बच्चों आपकी अपनी मर्जी है कि जिसको मर्जी इस साइड पर लिख लें वस्तैन का हासिल है जरब, अब बच्चे देखिए तरफैन ये वाले ए है और ये वाले आपके पास रकम है तो इस तरह हम लिखेंगे ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस की 11x और जमा के बच्चों आपके पास है 24, तनासब को आपने बराबर में तब्दील कर देना है और ये अंदर वाली रकमें आपकी वस्तैन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम लिखेंगे एक्स माइनस 3 इंटू 5x की पावर 4 है और माइनस बच्चों आपके पास है 40x की पावर 3, हमने कीमत बच्चों निकाल ली ए की तो इस रकम को हम कर देते हैं दोनों तरफ तकसीम, बेहतर बच्चों आप अगले स्टेप में करें क्योंकि इस स्टेप में तो आपने इसको लिखा है तो अगले स्टेप में बच्चों हम करेंगे ये आपके उसी तरह लिखेंगे एक्स माइनस 3 इंटू इस रकम में बच्चों आप देखें आपको कॉमन निकल सकती है तो कॉमन को आप चाहे बच्चों राइट साइड पर लिख लें चाहे लेफ्ट साइड पर लिख लें तो बच्चों आपको कॉमन यहाँ पे आ सकता है 5x की पावर 3, ये आपका कॉमन इसमें निकल सकता है तो इस तरह आपके पास एक्स माइनस 3 इंटू जब बच्चों 5x की पावर 3 निकल जाएगा बाकी आपके पास रह जाएगा इसमें एक्स रह जाएगा और ये वाला बच्चों आपके पास आ जाएगा 8 क्योंकि 8 को 40 पर जो कि 5 पर डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा और 3x की पावर 3 पहले आ चुके हैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते बच्चे आपके आ जाए 40, हमने कीमत बच्चों एक ही निकाल ली है तो इस रकम को हम दोनों तरफ कर देते हैं डिवाइड यानी तकसीम लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे दोनों साइड में बच्चों एक ही अमल करना पड़ता है 11x और जमा के आपके पास है 24, ये वाली रकम इस तरफ आपकी हो जाएगी कैंसिल, इस तरह बच्चों आपका ए बराबर आ जाएगा जी 5x का है जी मका इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू बच्चों आपके पास है एक्स माइनस के 8, बटे में जो रकम बच्चों आपकी दी गई इसकी हम तजिया कर सकते हैं जो आपके पास दी गई एक्स का स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे कर ले माइनस के 8x और माइनस के 3x, माइनस के 8 और माइनस के 3 आपस में जमा करें तो माइनस के 11 बन जाते हैं, आपको उसी तरह मल्टीप्लाई करें तो आपके बन जाते हैं 8 3 24 होते हैं, तो ऊपर वाली रकम बच्चों आप उसी तरह लिख दी जाएंगे सिर्फ नीचे वाली को हम हल करेंगे एक्स माइनस 3 है और इंटू है एक्स माइनस के 8 है तो इस जोड़े में बच्चों हम कॉमन लेंगे तो एक्स आपका कॉमन आ जाएगा बाकी आपके पास रह जाएगा एक्स माइनस के 8 और इस जोड़े में ये वाला जोड़ा बच्चों आपके पास है इसमें आपके आ जाएगा माइनस के 3 कॉमन तो ये आपका एक्स आ गया और बाकी यहाँ पे बच्चों आपने माइनस के 8 लिखनी है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की अलामत आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकम होती है बच्चों उसकी अलामत जो होती है वो चेंज हो जाती है, जमा हो तो माइनस और माइनस हो तो जमा हो जाती है एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस के 8, अब बटे में बच्चे देखिए तो ब्रैकेट के अंदर रकम आपके लिखा हुआ है एक्स माइनस के 8 है और दूसरा एक्स माइनस 3 ये आपका आ जाएगा क्योंकि एक्स माइनस 8 आपका आ जाएगा कॉमन, इस तरह बच्चे देखिए एक्स माइनस 8 ये कट जाएगा और एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 से कट जाएगा तो बस बच्चों एक ही कीमत आपके पास आ जाएगी 5x का मुकाब ये 5x की पावर 3 और ये बच्चों आपका चौथा मतनासब है, ये बच्चे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों शक्ल में आपके पेपर में आए हुए हैं, शॉर्ट आते तो बच्चे 2 नंबर का है 4 से 5 मिनट में आपने लाजमी हल करना है, लॉन्ग है तो बच्चों आपके पास 10 मिनट से 12 मिनट तक आपके पास होते हैं, बच्चों आपने कोशिश करनी इस टाइम के अंदर इसको हल कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।